हाउ डिड यू स्टार्ट डे बचपन से कोई गाड़ी चलाने का शौक़ था गाड़ियों का शौक था या कोई घर में बड़ा इस सारे सीन में था कि लाइक हु इंस्पायर्ड यू टू बी आर रैली ड्राइवर और मोटर स्पोर्ट माई फाइर फादर माई फादर सो आपका कहना ठीक है इमरान मुझे बचपन से इतना ज़्यादा शौक था कि भाई वाल साहब मुझे अच्छी तरह याद है इवन एज ए चाइल्ड और ख़ुद भी बताते हैं कि मैं गाड़ियों में जाके सो जाता था वाले साहब को बहुत शौक था गाड़ियों का गा। उनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई तो उनमें और मुझ में सिर्फ बाईस साल का फ़र्क है तो मैं अब आई मीन मैं अर्ली फिफ्टी आज तक किसी ने पहली दफ़ा माना नहीं कि वो मेरे वाले हैं क्योंकि वो जवान है और <laughs> मैं जल्दी बूढ़ा हो गया हूँ तो इट्स बीन माय गुड फॉर्चून उनके भी मामू जो हैं वो गाड़ियों के वर्कशॉप चलाते थे डेन फॉर मोटर्स ऑफ द मोर फेमस दो फेमसॉपर एंड इट मूव टू वेस्ट पाकिस्तान इट स्टार्ट माई नानीज गाज मेरी वालदा की जो अम्मी है उनके गिराज से वापस शुरू हुआ था तारिक रोड पे दे पर कुछ डी एन ए में भी है कुछ खून में भी है वालद साहब को गाड़ियों का शौक़ था और असल उन्होंने रेसिंग शुरू की इज़ वन ऑफ पाकिस्तान स्पाइनियज इन द लेट सिक्सटीज़ इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एन अ करॉस कंट्री रैली अक्रॉस फाइव कंट्रीज एंड दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द अर्ली पाकिस्तान इज वचरिंग इं टू इंटरनेशनल रेसिंग दो क्रॉस कंट्री रैलीज हुई हैं पाकिस्तान में नाइनटीन सेवेंटी एट और नाइनटीन एटी फोर काराकुरम हाईवे बना था और कराची से इस्लामाबाद कराची से गिलगित okay. आप सोचें 1978 में कराची से गिलगित जाना कोई गूगल मैप नहीं कोई मोबाइल yeah. फ़ोन uh, नहीं कोई कुछ नहीं मेरी वालदा मेरे वालद साहब सरफराज धानजी साहब और मेरा छोटा भाई ये चारों जो हैं उस रैली में थे एंड दे ड्रो फ्राम कराची टू गिलगित इन आई कैन वेरियंट सो बीमारी की जड़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ <laughs> कि जब uh, वालदा वाल साहब छोटे भाई और अंकल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो वजरासीम आ गए हमें तो ये जम्स अगली जनरेशन में आपके बच्चों में भी जा रहे हैं यार आई होप सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन हमने पिछले साल एक इवेंट uh, में पार्टिसिपेट किया था हमने पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड क्रिएट किया विच आई डोंट नो अबाउट एशिया और ग्लोबली बट इट इज समथिंग फॉर पाकिस्तान टू बी प्राउड ऑफ मेरे वाल साहब मैं और मेरा बेटा जो है हमने तीनों ने हब रैली में पार्टिसिपेट किया था तो तीन जनरेशन एक ही रेस में तीन अलग कैटेगरीज में गाड़ी चला रहे थे मेरे वाल साहब सबसे ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट थे मेरा बेटा सबसे कम उम्र पार्टिसिपेंट था और मैं बीच में था और हम तीन तीन अलग कैटेगरीज में थे और तीनों ट्रॉफीज़ लेके घर आए क्रेडिबल और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फादर एंड माई चिल्ड्रेन एज वेल कि मेरे बच्चों ने भी जो है वो इन्जॉय करते हैं Uh, मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो मेरे साथ काफ़ी इन रैलीज़ पर गए हमी क्रॉस कंट्री रैलीज़ वगैरह करते हैं yeah. बेटी जो है वो पार्टिसिपेट करती है वो पढ़ रही है बाहर uh -huh. तो अक्सर मुझे कहती है कि मैं मिस करती हूँ रैलीस को और आपके साथ पहाड़ों में जाना और ठंडी हवा खाना और आ, रूफ डाउन करके गाड़ियाँ चलाना और सो होपफुली so पढ़ लें बट विद स्टडीज़ ऑल्सो दे आर पार्टिसिपेटिंग तो तो आप जब बहुत छोटी उम्र में गाड़ियों के चक्कर में पढ़ गए रेसेस में पढ़ गए तो फिर ये पढ़ लिख के बैंकर कैसे बन गए यार किस्मत अच्छी है वालदा का डंडा जो है ना वो पूरा था वाल साहब ख़राब करते थे वालदा डंडा मारती थी तो उस में पढ़ाई भी थोड़ी कर ली और ख़ुद को भी शौक़ था कुछ किस्मत ऐसी थी कि अल्लाह ने करम कुछ ऐसा किया कि ग्रेड्स वगैरह कुछ अच्छे आ गए तो uh, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिल गया आई में एडमिशन मिल गया तो जब अच्छे कॉलेज में पढ़ गए तो अच्छी पढ़ाई कर ली फिर उसके बाद जब पढ़ाई का एक शौक़ हो जाता है तो पढ़ना बंद ही नहीं किया तो फिर चालीस uh, बयालीस साल की उम्र तक मैं पढ़ता रहा एंड टुडे आल्सो आज भी मेरी नीयत है टू गो बैक एंड डू अ मैथ्स मास्टर्स इन मैथमेटिक्स क्योंकि इंजीनियरिंग की एक डिग्री है बिज़नेस की डिग्री है लॉ की डिग्रीज़ हैं बाहर से मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं एज अ ट्रेजरी प्रोफेशनल एज अप बैंकिंग प्रोफेशनल अभी लेटेस्ट मैंने एक सर्टिफिकेशन दो महीने पहले ही किए इस उम्र में भी जो है आई एम नाव सर्टिफाइड एम एल प्रोफेशनल कैमल पी की एक सर्टिफिकेशन होती है वो क्या चीज होती so, है सो दोज देयर कंप्लायंस प्रोफेशनल्स इट्स अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन दैट मेक्स यू स्पेशलिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ओके सो आई एम अ पी सर्टिफाइड एट इन हमारे मुल्क को सो आई डोंट नो किस गोली किस गोली पे नाम लिखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश करके पाकिस्तान में तो बट वी मस्ट डू आवर बिट एंड आई थिंक पढ़ाई जो है जो आपने इमरान सवाल पूछा मैं अपने बच्चों को अक्सर ये बात कहता हूँ कि यार पढ़ाई जो है ना वो ऐसे इल्म के ख़जाने खोलती है और ऐसे दिमाग के कोने खोलती है और ऐसी चीज़ें खोलती है जो आपने इमेजिन भी कभी नहीं किया आपने खुद का बचपन से वाले साहब अच्छी गाड़ियाँ चलाते थे हमारी किस्मत अच्छी थी हमें बचपन से अच्छी गाड़ियाँ चलाना मिली अच्छी गाड़ियों में घूमने मिला अच्छी चीज़ें करते थे तो कभी ये सोचा नहीं कि पढ़ के क्या करेंगे पढ़ लिख के क्या करेंगे बिजनेस फैमिली से था आई स्टार्ट ऑफ रनिंग वर्किंग फॉर माई मामूज एंड माई खाला एंड देन आई सेट अप माई ओन फैक्ट्रीज़ और अपना कारोबार था और फिर बैंकिंग ज्वाइन कर ली अल्लाह के किस रास्ते कहा लेके चलते है किसको क्या पता है क्या नसीब में लेकिन आ, मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया आ, तालीम से और मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि जब मैं आई गया तो इसलिए गया क्योंकि मेरा एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में बाहर एडमिशन हो गया था और मैं पढ़ने ही नहीं गया क्योंकि फैमिली ने बोला यार क्या करोगे बाहर जाके पढ़ पढ़ के यही कुछ पढ़ पढ़ दो और कारोबार ज्वाइन कर लो तो लाइक मैनी बॉयज़ इन पाकिस्तान मैंने सत्रह अठारह साल की उम्र में जो है कारोबार ज्वाइन कर लिया फैमिली का और बाहर नहीं गया पढ़ने के लिए जबकि मैं मेरा पैशन था ऑर्टो इंजीनियरिंग आई वाज गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड फॉर मूवल इंजीनियरिंग इन द यूएस और मैंने वो टोटल फील्ड चेंज करके आई में लोकल पाकिस्तान में एडमिशन ले लिया लेकिन अगर जो लोग सुन रहे हैं और जो बच्चे सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं एज रेसर्स एज सीनियर बैंकर्स एज पाकिस्तानीज है कैरी सम इन्फ्लुंस एंड सम वर्ड पढ़ाई नहीं छोड़िएगा कभी भी क्योंकि उन किताबों में से जो मुझे इल्म मिला और उन किताबों से जो मुझे तालीम मिली और चूँकि मैं अन फॉर्चुनेटली आई बी ए के इवनिंग प्रोग्राम में था okay. तो आई गॉट अ चांस टू प्रैक्टिस वॉट आई वॉज रीडिंग इन माई बुक्स और रियल लाइफ सिचुएशन अपनी हम डिस्कस करते थे कि कारोबार में जो चैलेंजेस हैं वो जो क्लास में डिस्कस करते थे कि ये पढ़ाई उस पर कैसे अप्लाई करती है आई सर्डनली रियलाइज़ कि मुझे कुछ भी नहीं पता सिर्फ पैसे बनाने से और अच्छी गाड़ी चलाने से और अच्छे कपड़े पहनने से आदमी जो है वो काबिल नहीं हो जाता और जब उन किताबों से वो इल्म की रोशनी मुझे मिलना शुरू हुई और मैं अपने लिए कम से कम कह सकता हूँ कि मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डनरी और फिर मैंने पढ़ाई रोकना बंद नहीं की और मैंने अभी आपको कहा दो महीने पहले एक सर्टिफिकेशन किया मेड मी मोर सोफिस्टिकेटेड एंड नॉलेजबल वी होप दैट जो भी लोग आपको देखें आपको सपोर्ट करें आपको इनक्रेज करें और जो फ्यूचर ड्राइवर्स हैं और जो फ्यूचर यूथ है पाकिस्तान की उन सबको So, ladies and gentlemen, thank you for watching our podcast. Uh, please subscribe, like, and share our videos. Till next time, goodbye.